हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका रोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई सामने अपने खड़ी हुई है अपनी वैगनार। अब भाई इस वैगनार के अंदर है ना, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम मेरे को है ना बहुत बड़ी फेस करनी पड़ी अभी। जैसा कि आपने थोड़े टाइम पहले वीडियो देखी थी भाई कि मतलब गाड़ी में है ना मतलब 61,220 समथिंग चली थी और मैंने ना टायर चेंज कराने पड़ गए। पहले इसमें लगे हुए थे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसके अंदर जो टायर्स आए थे ना भाई, वो थे अपने ये वाले जो जेके टायर का अल्टीमा नियो है, ये भाई 155/80R13 थे। और अभी जो लगे हुए हैं ये 165/70R14 हैं, और इससे पहले भी 165/70R14 थे। अब आप कहोगे क्या मतलब अभी गाड़ी 67,000 चली है मेरी और इतनी जल्दी है तीन टायर बदल गए। बिल्कुल भाई, तो बिल्कुल भाई अभी है ना तीन जोड़ी इसके जो है टायर बदल चुके। जैसे कि अभी मैंने लगवाया था, इससे पहले आपने जैसे वीडियो में देखा भाई, टैक्सी मैक्स डलवाया था मैंने उसका जेके टायर का, और वो मेरी चॉइस नहीं थी भाई, जिसको मतलब जो टायर वाला था उससे मैंने डलवाया था और उसने अपने पसंद से डाला था। और साथ ही में भाई अभी क्या हुआ मतलब वो डलवाने के बाद के साथ है ना दिक्कतें शुरू हो गई। सबसे पहले भाई क्या फेस करना पड़ा मेरे को, मैं चलो आपको एक बार है ना अंदर चलते हैं गाड़ी के फिर बताता हूँ। तो भाई मेरे को जो फेस करना पड़ा ना, सबसे पहले तो भाई देखो टायर्स वो मेरे को शुरू से ही नहीं पसंद था, क्योंकि नाम ही उसका टैक्सी मैक्स था भाई, टैक्सी तो है नहीं, तो भाई मैं क्यों डलवाऊं टैक्सी मैक्स। और डल गए तो भाई चलो कोई नहीं, मैंने कहा टायर के नाम से कह लेना, उस पर स्टिकर वगैरह जो भी है लगा देंगे और छुप जाएगा। लेकिन नहीं भाई, वहां तक बात खत्म नहीं हुई। वो टायर डलवाते के साथ मेरे को पावर में बहुत ज्यादा ड्रॉप मिला देखने को, जबकि मतलब वो उन्होंने क्या कहा मेरे को जिनसे टायर डलवाए थे। अब जो भी है भाई, वो वीडियो देखना चाहे मत देखना, वो मैं टारगेट नहीं कर रहा उनको, वो भाई जरूरी नहीं उसी टायर में दिक्कत हो सकता है भाई मेरी वाली जोड़ी में ही दिक्कत हो, मतलब जो मेरे टायर लगे गाड़ी में हो सकता है उसी में दिक्कत हो। तो भाई उन्होंने कहा था कि आपने अपसाइज करा है, 13 इंच के बजाय 14 इंच डलाए हैं, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। पर भाई ये बात मेरे हजम नहीं हो रही थी कुछ, क्योंकि कंपनी भी जो है ना VXI में 165/70R14 डाल के देती है टायर्स। तो मेरे मन में आया भाई कि मैं मतलब है ना अपना इंजन एक बार चेक कराऊं, तो इंजन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी सर्विस वगैरह मैंने करा दी, और टाइम टू टाइम जो मतलब और मेंटेनेंस थी इसकी, आपने सर्विस की वीडियो भी देखी भाई, उसमें मैंने प्रीमियम वाला इंजन ऑयल वगैरह डला दिया, तो उससे थोड़ा बहुत भाई पिकअप खुली उसकी। लेकिन भाई माइलेज बिल्कुल मर गई थी, सिटी के अंदर ही लगा लो 120-130 किलोमीटर निकालती थी CNG पे, और भाई जब इतनी चलनी है तो फिर वैगनार लेने का ही क्या फायदा। तो फिर भाई मेरे दिमाग में आया कि टायर्स ही रिप्लेस करा देते हैं, तो जेके टायर का वो टैक्सी मैक्स निकाल के ना भाई इसमें जो है हमने डलवा दिया है C8 का। अब C8 का ये कौन सा है भाई, ये कोई माइलेज करके है, माइलेज X3, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी सेम प्रोफाइल है 165/70R14। और ये डलते के साथ भाई गाड़ी में इतनी तगड़ा बूस्ट आया, मतलब जो सर्विसिंग वगैरह तो भाई मैंने कराई रखी थी, जो रेगुलर मेंटेनेंस होती है वो भी मैंने अच्छे से करा रखी थी कि भाई मतलब मेरे को और ज्यादा पिकअप मिले। और ये टायर जैसे ही डले भाई साहब क्या बताऊं, मतलब रॉकेट हो गई गाड़ी, सिर्फ टायर से इतना फर्क पड़ गया भाई गाड़ी पे। अभी जो है ना वो टायरों में आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने 0-100 वाली भी वीडियो शूट करी थी ना, उसमें भाई वो जब व्हील स्पिन भी मारते हैं तो टायरों में से कोई आवाज ही नहीं निकलती टायर की। तो भाई 3-2-1 टायरों की आवाज नहीं आती बिल्कुल भी जब से चेंज कराए हैं। और इसको मैं अगर उठाऊंगा ना भाई, इसमें यहाँ नहीं आएगी आवाज, क्योंकि यहाँ पर है ना आप देख सकते हो यहाँ फ्रिक्शन बनेगा ही नहीं रोड पे, ये रोडी वोडी बहुत पड़ी है और डस्ट बहुत है रोड पे। तो लेकिन भाई कभी भी मैंने इससे मतलब जैसे भी मैंने व्हील स्पिन मारा है ना, उसके बाद व्हील स्पिन मारते के साथ मैं समझ गया था ये टायर है असली, मतलब घूमते के साथ जो चर्र से आवाज आती है ना टायर की, वो भाई अलग ही सुकून देती है मन को। और साथ ही में भाई गाड़ी में बूस्ट आया बहुत तगड़ा, भागती तेज है और माइलेज प्रॉपर हो गई इसकी, जितनी थी ना पहले 360 चल जाती थी एक सिलेंडर पे हाईवे पे, और वो एज इट इज सेम माइलेज अब मेरी निकाल रही है, 360 हाईवे पे निकाल देगी, और सिटी में भी 200-250 के आसपास हंस के चलती है, बल्कि 250 ही चलती है भाई, 200 तो बहुत रेयर केस में चलती है जब मैं बिल्कुल पंजा खींच के चलाता हूँ। तो माइलेज अपनी वापिस आ चुकी है और भाई साथ ही में टायर्स भी अपने रिप्लेस हो चुके हैं बिल्कुल नए, और सिर्फ 5,000 किलोमीटर चले थे वो, 61,220 पे टायर बदलवाए थे और आप देख सकते हो 67,415 हुए हैं। तो ये टायर लगने के बाद भी मैंने मेरे ख्याल से 200-300 किलोमीटर चला दिया होगा, तो लगा लो साहब मतलब 67 मान लो, लमसम 67,000 पे ये वाले टायर डल चुके हैं इसमें।
तो भाई ये चीज मतलब ये है ना, कोई मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रहा हवा हवाई में कि भाई कुछ कंटेंट नहीं मिला तो चलो टायर की वीडियो पेल दी। भाई ये चीज बहुत जरूरी है, आप भी अपनी गाड़ी के अंदर कभी टायर डलवाते हो ना भाई, कभी भी सस्ते महंगे के चक्कर में मतलब हुआ। मैंने भी भाई सस्ता महंगा नहीं देखा था, लेकिन भाई फिर भी एक बार है ना ढंग से परखो चीज को, उसके रिव्यूज वगैरह देखो टायर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और फिर उसके बाद उसे परचेज करो। अगर नहीं करोगे तो भाई मेरी तरह पछताना पड़ेगा। भाई उसमें भी जो है ना कंपनी मतलब उसको ले तो लेती है टायर को वापसी, पर उसमें जो घिसावट होती है वो आपको देनी पड़ती है, और नए टायर में और ज्यादा घिसावट होती है क्योंकि भाई वो दब भी जाता है थोड़ा। तो अब देखो कितनी आती है कितनी नहीं, कह रहे एक महीने बाद पता लगेगा कितनी घिसावट आती है कितनी नहीं। तो यही मेरा एक पर्पस था वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।